करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? तो आ चुके हैं हम अपने एक नए गेम प्ले की तरफ, और जो है आपके सामने ही आपको पता चल गया होगा। तो लकी व्हील में हमें फिर से इन्होंने एक स्टंबल टोकन चिपका दिए हैं। हमें ये नहीं चाहिए। आज मैं कोई स्किन लेके जाऊंगा और मुझे कोई स्किन चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए अपने जेम्स को लगाने पड़े। तो 55 जेम्स वाला एक स्किन खेल रहे हैं हम। कॉमन स्किन इसमें मिलेगी, लेकिन मिलेगी तगड़े वाली। तो अपन को चाहिए एक स्किन जो कि अपन लेके रहेगा। ओके, तो ये मेरे मिशन हुए पड़े थे। रॉयल पास तो मैं ले नहीं सकता, ना लेने की कैपेसिटी है, इसलिए चुपका था। आप जो मुझे फ्री के जेम्स मिल रहे हैं ये कलेक्ट करते हैं, और 95 जेम्स हो चुके हैं। तो मेरे को चाहिए आज एक स्किन, बस कह दिया तो कह दिया। स्किन दे दो, स्किन दे दो, और स्किन दे दो, कह दिया है तो मुझे स्किन चाहिए। तो लगी स्किन में हमें एक स्किन आने वाली है, और ये स्किन है एक कॉमन स्किन, और स्किन देगा अनकॉमन भैया। ओ भाई साहब, तो पंख डूड दे दिया है हमें। पंख डूड लेके चलते हैं अपने बैटल में और जाके पेलम पाली करते हैं। जितने भी आएंगे सामने देखी जाएगी, और दिवाली की भी शुभकामनाएं सबको हो, दिवाली आई हुई है। तो पटाखे फोड़ो, लेकिन अपने हमसायों को छोड़ दो। हमसाए अच्छे होते हैं, हमसायों को तकलीफ़ नहीं देते, तो तकलीफ़ देने से गुरेज करें और इंजॉय करें दिवाली को। पटाखे की जगह आप अगर पौधे लगाएंगे तो नेचर को भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पटाखों से तो चलो ये है कि आप अपने जो माहौल को खुद ही ख़राब करोगे। धुएँ शुएँ होंगे, और जो बुज़ुर्गों को मसले होते हैं, किसी को भी दमे का मसला होगा किसी चीज़ का भी, तो ग्रेस करें, इन्जॉय करें, खुशियाँ बांटें। तो चलते हैं अपने मैप की तरफ। तो आज हमारा टारगेट है फिर से हम अपने दोस्त मैप में हम दो की स्ट्राइक लेके चलेंगे। देखते हैं हम उसे कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं, और तीसरे मैप में हमें कप मिलता है यार भी, हम वैसे ही बिना कप के जाएंगे। तो चलिए, आ चुका है हमारा मैप जो कि है क्रैब्स लैंडिंग। पहला मैप आ चुका है और इसको हमने करना है फिनिश, और फिनिश में देखते हैं हम किधर फिनिश करते हैं। तो ये हम शुरू हो चुके हैं, और काफ़ी बंदे हैं भाई, बहुत भीड़ है, पता ही नहीं चलता बंदा कौन सा मेरा। तो पानी में नहीं गिरना, पानी में गिरे तो भाई जान क्रैब के बड़े बड़े शार्क्स भी यहाँ फिर रही हैं, वो हमें निकल जाएंगी। और पानी को हल्का सा आपका पाँव अंगूठा भी टच हो गया तो आप लोग डूब के मर जाओगे। डूब के नहीं मरना, देख लो ध्यान से, पानी जहाँ आए वहाँ से तितर हो जाओ, क्योंकि पानी हल्का सा भी टच हुआ तुम लोग ख़त्म, टाटा बाय बाय। ओके, तू बढ़ा के जा रहा है, देखा मैंने कहा था पानी को टच हुआ तो गया, वो डूब के मर गया ना। तो पानी से बचना है बेसिकली। ओके, ये क्रैब का बच्चा मारा है हमें, और क्रैब का क्या किया जाए भैंस की डंडी। क्रैब भी आगे से धक्के देते हैं हमें, और धक्के दे देगी हमें आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन हमने क्रैब से भी बचना है और आगे भी जाना है, तो हम आगे चलते हैं। एक बंदा फिनिश कर भी चुका है, पता नहीं ये कैसे नुकवाड़ा चला जाता है। दो बंदे फिनिश कर चुके हैं, वाह तीन। ओके, हम भी फिनिश कर जाएंगे। वो अच्छा, वो वाला रास्ता मुझे लगता है आसान है इसकी निस्बत, लेकिन हम भी टॉप 7-8 में फिनिश कर गए हैं। 8/16 में खड़े हैं, और हमारा पहला मैप हो गया है कम्प्लीट। तो देखते हैं दूसरा मैप कौन सा आता है, हमारी स्ट्राइक चलती है कि आज हम घर को आ जाएंगे तुड़वा के। तो ये डिपेंड करता है कौन सी हमें मैप आता है सामने। तो भाई सारे बंदे नीचे गिर के मर चुके हैं, और बचे हैं 16, और 16 में से हम भी हैं एक, मतलब नंबर में एक हैं, जीतते हैं ये नहीं पता। तो दूसरा मैप हमारा आ चुका है। ओके, ये तो भाई बहुत आसान है, टाइल फॉल। इसमें जो गिरा वो तो भाई आसमान से गिरा, और मिसाल तो है खजूर में अटका, ये जाएगा किसी के पेट के अंदर, मतलब शार के अंदर। ओके, ये भैंस की डंडी उड़ता जा रहा है भाई बंदा, तो मैं अभी इसकी जैसे उड़ता ही जाऊंगा। ये तमाम, अगर मैं गिरा एक दफ़ा भी, मैं गिर गया गलती से तो कहानी ख़त्म। और ये बंदा पहुंच चुका है बहुत तेज़ था, लेकिन हमने भी 4 पे फिनिश कर दिया है। तो 8/8 आ चुके हैं, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए हैं, और हमारी स्ट्राइक आज भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हम अपने पहले दो मैप जीत चुके हैं। दो मैप आसान थे तो आराम से हम कर गए हैं। तो देखते हैं तीसरे मैप भी हमारा क्या होता है। तो तीसरा मैप देखते हैं। ओ माई गॉड, ये घटिया मैप आ गया फिर, बम्बार्डमेंट। यार देखो, बात सिंपल सी है, मेरे नसीबों में ये ही मैप क्यों आते हैं जिसमें बम हूँ, पटाखे हूँ, ठा ठा करके पानी में गिर जाता हूँ। मतलब मुझे एक शार का निवाला बना, ये देखो पहला ही बम मेरे पास आ गया, फिर मुझे सेंटर लेना पड़ेगा, सेंटर में होगी पेलम पाली, धक्का मुक्की। और ये धक्का मुक्की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैं बड़ा शांत प्लेयर हूँ, धक्का मुक्की मुझे अच्छी लगती नहीं है। फिर भी देखते हैं कि अब ये धक्का मुक्की करते हैं या मैं अपने आप को डोज करता हूँ। बम्बों से भी बचना है और मैंने बंदों से भी बचना है। ये बंदे भी बड़े
फिंगर वाले हैं ये, बस ऐसे मुक्के छुके पेल देते हैं और बंदा नीचे गिर जाता है पानी के अंदर। तो हमने पानी के अंदर नहीं गिरना, रिमेंबर द वन थिंग के पानी के अंदर नहीं गिरना, याद रखना, भूलना मत। ओके बम आ चुका है और ये एक बम, उसने बम को धक्का मार के साइड पे कर दिया। वाह ये भी ट्रिक है, अच्छा मतलब बम आए उसको धक्का मारो और साइड पे कर लो। यस दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग ट्रिक, आई विल डू दिस नेक्स्ट टाइम, बट हियर आई हैव टू विन द गेम। ओके एक बेचारा नूब का बच्चा गिर चुका है, कोई बात नहीं बच्चे, बच्चे हो जाता है। तो पीछे बचे हैं छः बंदे, छः में से अभी तक तो मैं ठीक चल रहा हूँ। उसको छक्का बड़ा बम, अरे यार कैसा है यार, ये बम्बार्डमेंट में उसको छक्का बढ़ गया बेचारा, बेचारे के ताड़ू में आके लगा बम और बेचारा पानी के अंदर डुबकियाँ खा के जहन्नम वासल हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो बंदे कम चाहिए, दो बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं, बाकी बचे हैं पाँच, पाँच में से जो चार एलिमिनेट हो जाएंगे तो एक बचेगा और जो बचेगा वही होगा सिकंदर। ओके ये बम मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मुझे आगे जाना पड़ा, उसके बाद मरने वाला लेकिन बच गया एक दफ़ा। 3/7, 4/7 बंदे रह चुके हैं और ये दोनों क्या, तीनों ही पेलम पाली वाले, तीनों ही प्रो प्लेयर हैं। और मुझे अबे यार ये मैं उस पर हंस रहा था, मेरे तालू में आके बम लग गया यार, ये तो बड़ी गलत बात है यार, मैं इतना अच्छा जा रहा था यार, आज तो मैं कह रहा था क्राउन अपने आप पर, यार ये मनहूस के बच्चे गेम वाले मेरे तालू में मार दिया है एक बम और मैं चला गया हूँ अपने लॉबी में। तो गाइस मिलते हैं अगले गेम प्ले में, अगली किसी गेम में, दो में याद रखना और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। ये देखो डांस कर रहे मनहूस के बच्चे, भाई मुझे मेरे तालों पे बम लग गया था, नहीं तो मैं तुम्हें कभी जितने ना देता, नूब का बच्चा ना। तो ये देखो ये मज़े कर रहे हैं। तो गाइज हमारे साथ हो गया है हैंड एक दफ़ा और हम क्राउन से हो गए हैं महरूम। तो चलो अगली गेम में देखते हैं कि हम इसे ले पाएंगे कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।